वर्ष 2023 में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा अमृत सरोवर योजना बनाई गई थी। आपको बता दें उत्तराखंड के हर जिले में 75 तालाब बनाने की इस योजना के तहत इसमें शामिल थे। आपको बता दें हम इस वक्त नैनीताल जिले के नंदौर क्षेत्र पर मौजूद है और आप मेरे पीछे देखिए यहाँ भी अमृत सरोवर योजना के तहत ये काफी बड़ा यहाँ तालाब बनाया गया था, लेकिन गर्मी का आलम यह है कि तालाब इस वक्त पूरी तरीके से सूख चुका है। हालांकि थोड़ा बहुत पानी बीच में जरूर रुका हुआ है, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से नंदौर नदी की अगर हम बात करें या नंदौर क्षेत्र की बात करें, लगभग 12 किलोमीटर का ये जंगल का दायरा है जहाँ सैकड़ों की संख्या में जंगली जानवर यहाँ पाए जाते हैं और जंगली जानवर इसी जो तालाब है इस तालाब के जरिए अपना पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन गर्मी का आलम यह है कि तालाब पूरी तरीके से सूख चुका है। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी के द्वारा कुछ समय पहले इस तालाब को रिफिल जरूर कराया गया था, लेकिन इस वक्त आप देखिए ग्राउंड जीरो पर हम इस वक्त मौजूद है। पानी का आलम यह है कि पूरी तरीके से ये तालाब सूख चुका है और अमृत सरोवर योजना के तहत इन तालाबों को बनाने का मकसद यही था कि जंगली जानवरों को भरपूर पानी पीने को मिल सकता है और जंगलों का जो पानी का स्रोत है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एकत्रित होगा। इसी के चलते हुए देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये अमृत सरोवर योजना के तहत पूरे भारतवर्ष में ये तालाब बनाए गए थे, जिसके बाद आप देखिए ये तालाबों का आलम यह है कि ये तालाब पूरी तरीके से सूख चुके हैं, जिससे जो जंगली जानवर है उनको कहीं ना कहीं पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गर्मी चरम सीमा पर है, लगातार यहाँ वन क्षेत्र अधिकारी के द्वारा रिफिलिंग जरूर कराई गई है, लेकिन पानी आप देखिए कि थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे रह चुका है, जिससे जो जंगली जानवर है उनको पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तमाम जो वन क्षेत्र अधिकारी और नंदौर रेंज के जो तमाम जो कर्मचारी है उनको भी कहीं ना कहीं इस तालाब के बारे में सोचना होगा और जिस तरीके से गर्मी अपनी चरम सीमा पर है जंगली जानवरों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वन क्षेत्र अधिकारी और वन विभाग को लगातार इस जो अमृत सरोवर योजना के तहत ये प्रधानमंत्री के द्वारा ये योजना बनाई गई थी इसको देखते हुए इस तालाब में पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे जो जंगली जानवर है उनको भरपूर पानी मिल सके। राकेश जोशी, न्यूज 31 के साथ, हल्द्वानी।